हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल रैपिड रोहन ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज 6 मई, अभी बज रहा है 11। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया होगा आज मैं जा रहा हूँ कूचबिहार राजबाड़ी का ब्लॉग बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये ब्लॉग 2019-20 के टाइम में ही बना लेता, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तभी मैं कूचबिहार राजबाड़ी का ब्लॉग बनाने के लिए सोचा था, लेकिन इतने सालों तक मतलब कुछ नहीं हो पाया प्लान, इसलिए मैं उतना दिन शूट नहीं कर पाया। तो ऐसे में कूचबिहार में आज तक कभी गया नहीं हूँ, जिंदगी में कभी गया नहीं हूँ, मैंने कदम भी नहीं रखा है कूचबिहार में। मैंने सपने में भी नहीं चाहे कि कूचबिहार कैसा होता है, लेकिन वीडियो मैंने जरूर देखा है कूचबिहार। तो सपने में तो नहीं सोचा, लेकिन वीडियो में मैंने कूचबिहार देखा ही है, और राजबाड़ी का मैंने बहुत सारा वीडियो और फोटो भी देखा हुआ है। फाइनली आज वो शुभ मुहूर्त है कि मैं जा रहा हूँ कूचबिहार ब्लॉग बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुका हूँ बीरपाड़ा, और देख सकते हो आज मैं पूरा अच्छे से रेडी वेडी होकर आ चुका हूँ। आज अकेले हूँ, मतलब कोई मेरे साथ है नहीं। तो अभी सबसे पहले जा रहा हूँ मैं बीरपाड़ा में ATM पैसा निकालूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में एक भी कैश नहीं है, तो बैंक में ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो बस सिर्फ 500 रुपया निकालूंगा और जा रहा हूँ बैंक पैसा निकाल के, फिर यहाँ से जाऊंगा अब बस लेने। अब बीरपाड़ा बस स्टैंड से बस मिलेगा कि फलाकाटा रोड से बस मिलेगा पता तो नहीं है, कुछ भी पता नहीं कुछ बिहार के बारे में। तो बस जो होगा आज आप लोगों को ब्लॉग में सब कुछ देखने मिलेगा। तो चलिए चलते, पहले पैसा निकाल लेते, उसके बाद आप लोग से आगे मिलते हैं। सही है, बैंक यहाँ से भी मैं निकालूंगा पैसा, तो चलिए फटाफट पैसा निकाल लेते हैं। अंदर में कोई भैया पैसा निकाल रहे हैं, तो थोड़ा बाहर वेट करना होगा। ये है मेरा ATM, तो पैसा निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स, पैसा तो निकाल लिया, लेकिन आज मैं धूप इतना पड़ रही, इतना खतरनाक धूप पड़ रहा है कि इंसान मतलब सारा मेकअप उतर जाएगा मेरा। वैसे तो मेकअप तो नहीं करता हूँ, लेकिन आज एक छोटा सा थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, और आज इतना ज़्यादा धूप पड़ रहा है कि एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, बस ढूंढना होगा और जाना होगा कूचबिहार। और अभी आ चुका हूँ फिर से अपने बस स्टैंड में बीरपाड़ा, तो यहाँ से अभी बस ढूंढते और जाते हैं कुछ बिहार के लिए। तो देखते हैं कौन सा बस मिलेगा, उधर एक बस निकल रहा है लेकिन पता नहीं वो कौन सा है। तो चलिए फटाफट बस ढूंढ लेते हैं, बस में बैठ जाते थे, आप लोग से मिलते हैं आगे। फ्रेंड्स, बीरपाड़ा बस स्टैंड के अंदर तो कोई बस नहीं दिख रहा था कुछ बिहार का, इसलिए मैं अब आ गया हूँ फालाकाटा रोड के इधर। ये हम लोग का बीरपाड़ा का ट्रैफिक वाला, तो चलिए इधर से पार होते और देखते हैं फालाकाटा रोड में मिलता है कि नहीं। तो चलिए पार होते फटाफट, सकते उधर में गाड़ी सब लगा हुआ है। फाइनली मैं हूँ ये फालाकाटा रोड के सामने, ये बीरपाड़ा चौपत्ते के सामने में हूँ अभी। और अभी तो यहाँ से जो भी छोटा छोटा गाड़ी ऑटो जा रही है वो सिर्फ फालाकाटा तक ही जाता है। तो एक मैंने दुकान पे एक अंकल से पूछा, तो अंकल ने कहा कि 12:10-15 के आसपास एक बस आता है, तो उसमें जाने से होगा। तो अभी और आधा घंटा है 12:15 होने में, तो अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, कुछ अब रास्ता है नहीं। अगर यहाँ से मैं फालाकाटा जाता हूँ तो फालाकाटा से वहाँ से फिर चेंज करके फिर कूचबिहार जाना होगा, तो थोड़ा सा वेट करके सीधा बस में ही जाते हैं फालाकाटा तक, मतलब कूचबिहार तक। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कब तक बस आता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ रास्ता नहीं बचे, तो उसके बाद जाते हैं कूचबिहार। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पर वेट करते करते, आधा घंटा 40 मिनट जैसा हो चुका है, बस अभी तक आया नहीं है। अभी 12:15 होने वाला है, 12:15 हुआ नहीं है, अंकल ने कहा था 12:15 में बस आता है। तो अभी कोई 5-10 मिनट बाकी है, तो जैसे ही बस आते मैं आप लोग को बस दिखाऊँगा, बस का नंबर भी दिखाऊँगा, ताकि आप लोग को मेरे जैसा वेट ना करना पड़े, ताकि आप लोग एक ही बार कहीं अगर कुछ बिहार बस में जाना चाहते हो तो वो बस में बैठ के आप लोग टाइमिंग से जा सकते हो। तो बस का वेट कर रहे हैं, शायद अभी आ जाएगा थोड़ी देर में बस। तो जैसे ही बस आते हैं मैं आप लोगों को नंबर दिखाता हूँ और बस दिखाता हूँ, और आप लोग के लिए थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। इसी बात में लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है, फ्रेंड्स जरूर से जरूर कर देना। आप लोग के लिए मैं इतना इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लाता हूँ और आप लोग को इतना सपोर्ट होता है, तो लाइक से सब्सक्राइब बनता ही है फ्रेंड्स। फाइनली जो बस का वेट कर रहे थे वो आ चुका है, फटाफट चलिए उधर चलते हैं, बस लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यही है बस, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, सुन सकते हो कूचबिहार बोल रहे हैं, बंगाली में नाम लिखा है, आप लोग नाम पढ़ लेना क्या है। और बस का नंबर तो पता नहीं, चलिए देख के मैं आप लोग बताता हूँ, और यही है कूचबिहार वाला बस, तो चलिए चलते हैं। बस का नंबर है 6363। फ्रेंड्स, 12:10 में ये बस यहाँ पर पहुँचा, और बस बहुत ही अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा है बहुत। अभी तो खाली दिख रहा है, अभी भरेंगे लोग। और 12:10 में ये बस यहाँ पर पहुँचा, तो अगर आप लोगों को जाना होगा तो आप लोग 12:30-11 के आसपास पहुँच जाना, आप लोग ये बस पकड़ लोगे। बस बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो बहुत ही साफ़ सुथरा है, और अभी खाली दिख रहा है। यहाँ से शायद लोग भरेंगे, उसके बाद कूचबिहार तक जाएंगे। बस में आप लोग इसे देख सकते हो, ये बस में मैं अभी आया, ये है फालाकाटा, मैं फालाकाटा में उतर गया हूँ। उसका क्या रीज़न है
तो एक प्रॉब्लम हो गया है, तो चलिए मैं आप लोगों कहीं साइड में जाके अच्छे से बताता हूँ। फ्रेंड्स, दरअसल बात ये हुआ कि जैसे मैं ये अभी फालाकाटा में अभी घूम रहा हूँ, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं फालाकाटा में पहले भी 2-3 बार आया हूँ, तो मुझे पता है फालाकाटा कैसा है क्या है। तो मैं बस में बैठा, बस से फालाकाटा तक आया। मैंने सोच लिया था कि जैसे फालाकाटा क्रॉस होगा मैं गूगल मैप में सर्च करूँगा कि कितना दूर है कुछ बिहार राजबाड़ी क्या है नहीं है। जैसे फालाकाटा में बस रुका हुआ था तो उसके बाद मैंने गूगल में सर्च किया, गूगल में सर्च करके जैसे गाड़ी रुका हुआ था मैंने उसी टाइम सर्च किया, नसीब अच्छा है। और ये आप लोग चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे फ्राइडे का दिन राजबाड़ी क्लोज दिखा रहा है। तो मैंने गूगल मैप में जैसे देखा तो मुझे लगा कि आज बंद है राजबाड़ी, क्लोज दिखा रहे, मतलब ओबियसली बंद ही होगा क्योंकि गूगल मैप में तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन होगा नहीं। मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि मतलब डेली ओपन होता होगा सप्ताह का 7 दिन, तो मुझे ये नहीं पता था कि आज फ्राइडे को क्लोज होता है और आज फ्राइडे ही है। तो मतलब अब मैं कन्फ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूँ। मैं उतर तो गया फालाकाटा, लेकिन अब इधर से अब क्या करना होगा, नहीं करना कुछ समझ नहीं, क्योंकि सारा मिशन फेल हो चुका है, सारा प्लान फेल हो चुका है। सब मैं यहाँ पे उतर चुका, अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है तो प्लान फेल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँ फालाकाटा में, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज के ही दिन नसीब ख़राब है कि फ्राइडे के दिन ही मैं निकला कुछ बिहार जाने के लिए। तो अब नेक्स्ट मैं कब जाऊँगा नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मूड पूरा उतर चुका है मेरा। तो अभी देखते हैं इधर, अब फालाकाटा में थोड़ा कुछ खाओ के अब चले जाएंगे घर, अब कुछ तो करने को बचा नहीं। सो फ्रेंड्स, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2019 से, तब से ही मेरा मतलब प्लान था कि मैं कुछ बिहार जाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, कुछ बिहार का ब्लॉग बनाऊँगा। अभी मतलब सोचो, तीन चार साल बाद मैं आज कुछ बिहार जाने के लिए निकला, और नसीब इतना ख़राब कि आज फ्राइडे हुआ और आज का दिन बंद होता है। मैंने कुछ सर्च वर्च किया नहीं था, बस मैं निकल गया था कि जाऊँगा बोल के, और आज मैं फ्राइडे हुआ और आज के दिन बंद दिखा रहे कुछ बिहार का राजबाड़ी। तो बस यही अब हो गया, अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, अब चलिए फालाकाटा में थोड़ा सा घूम लेते, उसके बाद जाते हैं घर। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैं कभी कुछ बिहार गया नहीं हूँ, मैं गूगल मैप में क्लोज दिखा, इसीलिए मैं फालाकाटा में उतर गया। अगर आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कुछ बिहार गए हो तो मुझे कॉमेंट करके प्लीज़ बताना कि आज के दिन सच में बंद होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने गूगल मैप में देखा इसलिए मैं उतर गया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक छोटा सा एक काम का बात बताता हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा व्हाट्सएप का एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये कोई टेक या फिर कोई लोगों ने भी आज तक आप लोग को इसमें मतलब बताया नहीं होगा कि शायद मुझे लगता है नहीं बताया होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ व्हाट्सएप का एक छोटा सा ट्रिक। जैसे कि आप लोग स्टेटस लगाते हो, आप लोगों को पता है कि स्टेटस लगाते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लड़के लड़कियाँ, जो कुछ ऐसा स्टेटस लगाते हैं, मतलब कुछ भी मतलब अच्छा या फिर जो भी ऐसा स्टेटस लगाते हैं, वो चाहते हैं कि वो स्टेटस कुछ ही लोग देखे, और मतलब जो लोग वो स्टेटस ना देखे। जैसे मान लीजिए कि मैंने व्हाट्सएप में मैं एक स्टेटस लगाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा गर्लफ्रेंड या फिर मेरे एक दो दोस्त ये स्टेटस ना देखे, बाकी जो भी मेरे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट है सब देखे। तो एक छोटा सा मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग जिसको अपना स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हो, आप लोग सबसे पहले जिनको स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हो, सबसे पहले आप उनको 2-3 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद जो स्टेटस आप लोग लगाना चाहते हो उसको स्टेटस लगा दो, जैसे स्टेटस सक्सेसफुली वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप जिनको भी ब्लॉक किया आप उनको अनब्लॉक कर दो। इससे ये होगा कि जब आप उनको ब्लॉक करोगे तो आप स्टेटस लगा दोगे तो उनके पास वो स्टेटस शो नहीं करेगा जिनको आपने ब्लॉक किया है। तो मैंने ये खुद से ट्राई किया है, तो मुझे ये चीज़ एक पता चला, तो आप लोग ट्राई करके देखना, ये सक्सेसफुल तो होता ही है। तो मैं ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब में बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसा बताया होगा। तो अगर ये छोटा सा मेरा ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर करना। तो 3 बज चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ घर, अब ब्लॉग में दिखाने को तो कुछ बचा नहीं है। तो फिर अब मैं, धूप भी बहुत ख़तरनाक हो रही है, मैं यहाँ थोड़ा देर बैठ गया हूँ आराम करने के लिए, देख सकते हो आप लोग धूप। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ घर, यहाँ से बस या ऑटो में बैठ के जाता हूँ घर, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए कुछ बिहार का ब्लॉग तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी दिल से। जब भी नेक्स्ट टाइम हो पाएगा मैं ज़रूर कुछ बिहार का ब्लॉग फिर से बनाऊंगा, मतलब जाऊंगा बनाने। आज फ्राइडे है, आज के दिन बंद होते हैं। आप लोग भी अगर देख रहे हो तो आप लोग याद रखना फ्राइडे के दिन बंद होता है। गूगल मैप में दिखाया था, मैं तो वहाँ गया नहीं, मुझे नहीं पता कि सच में बंद है या नहीं है, लेकिन गूगल मैप में दिखा है इसीलिए मैं वहाँ पर गया नहीं। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, मुझे सपोर्ट करना। तो इसी तरह का मैं अच्छा इंटरटेनिंग कंटेंट ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।